हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 140 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीट के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये रिवीजन वीडियो है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का रिवीजन किया जा रहा है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा और अपनी स्कोरिंग करके बताइएगा कि रिवीजन क्लास में आपके एग्जैक्टली 140 में से कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? मांसपेशीय सहन शक्ति, लचक, सहकारिता या फिर प्रतिक्रिया समय। तो यहाँ पे जो सही आंसर से रिलेट करता है, सहकारिता से रिलेटेड है। जो लोग भी ये वीडियो देख चुके हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन क्लास है। सभी लोग अपना स्कोर अवश्य करके बताएंगे कि 140 में से रिवीजन में आपके एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सबल्य व्यायाम का दूसरा नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? गतिशील व्यायाम से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्यायाम के बाद शांत होना महत्वपूर्ण क्योंकि वह क्या करता है? बिल्कुल राइट आंसर है, लैक्टिक अम्ल को निकालता है। डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति इसका समुच्चय नहीं है। यहाँ पे गति किस चीज का समुच्चय नहीं है? अत्यधिक गति का समुच्चय नहीं है, विस्फोटक बल का समुच्चय नहीं है, पुनरावृत्ति या फिर गति तितिक्षा का समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहां पे अटेम्प्ट होगा सी ऑप्शन। बहुत से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर है। डंबबेल्स, बारबेल्स और पुली मशीन का उपयोग इसमें होता है। किसमें इसका उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ए ऑप्शन वजन प्रशिक्षण से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। वायुजीवी स्वास्थ्य बेहतर तरीके से इसके द्वारा पाया जा सकता है। किसके द्वारा पाया जा सकता है? बड़ी दूरी की दौड़ के द्वारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ट्रेडमिल का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। किसको मीजर करने के लिए किया जाता है? इसको दौड़ में किया गया कार्य को मीजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फार्टलेग, जिसका अर्थ है स्पीड प्ले का एक रूपांतरण। बिल्कुल आंसर क्या होना चाहिए? 8 का लगातार तेज से रिलेट करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नए एथलीटों के कंडीशनिंग के लिए निम्न में से कौन सी एक बुनियादी विधि नहीं है? इसमें से कौन सी एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ जो बुनियादी विधि से रिलेट नहीं करता है? क्रॉस ट्रेनिंग मेथड रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नियम के मुताबिक बच्चों को इससे ज्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। बहुत जबरदस्त, 18 से 24 घंटे हफ्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य बताइएगा, क्या हो जाएगा? खेल प्रदर्शन में सुधार से रिलेट करेगा क्या? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। जॉगिंग तैराकी और साइकिलिंग का डैश हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ये निरंतर प्रशिक्षण का हिस्सा है, वजन प्रशिक्षण, मध्यांतर या फिर फार्टलेग प्रशिक्षण। तो ये जो हिस्सा है निरंतर प्रशिक्षण का हिस्सा है, ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्नायु का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? जो स्नायु है इसका खिंचाव या टूटना मोच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिंचाव संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। कम्युनिटी पर यह क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को दिया जा चुका है, आज के कम्युनिटी पर जाइएगा, देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से किसे बंद चोट कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? कंट्यूशन को कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल ऊतक चोटें मुख्यतः कहां लगती हैं? कहां पे लगती हैं ये मुख्यतः चोटें? सी ऑप्शन, संयोजी ऊतक से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अस्थिभंग, जिसमें हड्डी टूटने के बजाय मुड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग है, कौन सा ड्रग इसमें उपयोग किया जाता है? जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, इसी नंबर पर 500 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और डेली का डेली जो मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया था वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में जो 10,000+ क्वेश्चन की पीडीएफ हैं वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल की जाएंगी अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इतनी देर में सभी ने अटेम्प्ट किया है, ओपीएड, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्न में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है, कौन से ड्रग पर इसमें प्रतिबंध नहीं है? 19 शराब से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो चाय कॉफी शीतल पेय आहार की गोलियां आदि में पाया जाता है वह है, वह क्या है? यहाँ पे कैफीन है क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना और गमन के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतरापृष्ठ का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? बायो मैकेनिक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मात्रा और भार किसी द्रव के दो आयाम है, इनमें से कौन सा होगा? मात्रा और भार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर शरीर के सभी तल मिलते हैं क्या कहलाता है? तो 23 नंबर, यह कार्डिनल बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट भरण निम्न में से प्रभावशाली है, निम्न में से प्रभावशाली लंबी अवधि की क्रिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट, न्यूटन जो गति का द्वितीय नियम है किस रूप में जाना जाता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 संवेग के नियम से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है, क्या संयोजी ऊतक से रिलेट करता है क्या? यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, रिवीजन वीडियो है, आप लोग के आंसर्स ऑलरेडी सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान बताना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वह वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेट करता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मांसपेशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका स्रावित करने वाले एपिनेफ्रीन या नर एपिनेफ्रीन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या कहलाते हैं? यहां पे कॉर्लिजानी कहलाते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉल्टेटरी प्रसारण किसमें होता है, ये किसमें होता है, ये किससे रिलेट करता है? 32, ये बी ऑप्शन माइलिनेटेटेड तंतु से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 33 मस्तिष्क में श्वसन केंद्र होता है। 33 का आंसर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेडुला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतया चालक तंत्रिका है, जो पूर्णतया चालक तंत्रिका है वह कौन सी हो जाएगी? यहां पे 34 का डी ऑप्शन एब्ड्यूशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 35 रफनी के अंग किस संवेदना के लिए होते हैं, किस संवेदना के लिए होते हैं? 35 यहां पे ऊष्मा से रिलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर हेडेड मसल संबंधित है। फोर हेडेड मसल किससे रिलेट करती है, यहां पे आपको आंसर कमेंट करके बताना है। 36 का क्या होना चाहिए, बिल्कुल जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? क्वाड्रिसेप्स से रिलेट करेगा। बहुत अच्छे, सभी लोगों ने ये वीडियो ऑलरेडी देख रखा है, इसीलिए आप लोग का आंसर भी सही हो रहा है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाए, क्वाड्रिसेप्स से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है, 37 नंबर, ये विटामिन ई की कमी से होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं, ये किसके कारक हैं, 38 नंबर, ये सी ऑप्शन रक्षा प्रदान करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है, मनोरचनाएं कार्य करती हैं, जो मनोरचनाएं ही कैसा कार्य करती हैं, अचेतन स्तर पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय फ्रायड से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा संप्रत्यय जो फ्रायड से रिलेट नहीं करता है, स्वप्न विश्लेषण इसमें रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 नंबर एग्जाम में हूबहू पूछा जा सकता है। किस हार्मोन की कमी से विशेष शारीरिक अवस्था माई एक्सडेमा उत्पन्न हो जाती है, 42 थायरॉक्सिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी शुरू की गई, यह ट्रॉफी किसके द्वारा शुरू की गई थी, यहां पे यह कब शुरू की गई थी यह बताना है आपको, किसके द्वारा शुरू की गई यह नहीं बताना है। सी ऑप्शन 1956-57 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है, यह कथन है किसका? बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो है, आप लोग क्वेश्चन का रिवीजन अवश्य करिएगा, रास महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुरुषों की बाधा दौड़ होती है, तो पुरुषों की जो बाधा दौड़ होती है ये 110 मीटर और 400 मीटर से रिलेटेड है, जबकि स्क्रीन पर है 46 आपकी। महिलाओं की बाधा दौड़ होती ये कितना हो जाएगा आंसर के साथ में, 100 मीटर से 400 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या बता देना, 47 नंबर 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का अधिकतम पाचन होता है, जो खाना है इसका अधिकतम पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रान की सूक्ष्म संरचना बताइएगा जल्दी से, 49 नंबर का बिल्कुल सी ऑप्शन है, गुर्दे से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बाइल स्रावित होता है, जिगर से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस खेल इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है, जिम्नास्टिक इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की, सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज की थी मॉर्गन और एंडमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि विकास में उपयोग होती है, किसके विकास में उपयुक्त होती है, सहनशीलता से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जैव ऊर्जा का रूप नहीं होता है, जो जैव ऊर्जा है इसका रूप नहीं होता है, क्या ऑक्सीजन हो जाएगा क्या, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सही स्टूडेंट्स के अभी तक सभी क्वेश्चंस के आंसर सही हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 56, यहाँ पे बताइएगा, जोड़ तथा पेशियों में स्थिर रिसेप्टर को कहा जाता है, इसमें क्या कहा जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 57, कौशल प्रक्रियाओं में गति का मूलाधार है, तो कौन सा है गति का मूलाधार, अवस्थापित सहज क्रियाओं का संस्थापन हो जाता है। नेक्स्ट है, स्क्वाट अवस्था में रोके रखने के दौरान किस प्रकार का पेशीय संकुचन होता है, किस प्रकार का पेशीय संकुचन होता है, 58 में आइसोमेट्रिक होगा क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस मंद घातक है, 59 नंबर सी ऑप्शन, हेपेटाइटिस सी इज द करेक्ट आंसर। शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है, कौन से अंग से पायरिया रिलेट करता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 61। टोटल 140 प्रश्न की सीरीज थी आपके, ये वीडियो बहुत ही सुपर फास्ट क्वेश्चंस के माध्यम से दिया जा रहा है, जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट नए पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से, 9621819209 इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली का डेली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और जो भी सीरीज ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, निम्न में से रक्त वर्ग सर्वदाता होता है, सर्वदाता कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जबकि सर्वग्राही ए बी होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, लोहे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 65 नंबर, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है ये कौन सा होता है, तो ये फुफ्फुसीय धमनी से रिलेट करता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है, ये कितनी होती है, 100 से 120 दिन होती है। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं, न्यूट्रोफिल बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है, जो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है ये कौन सा होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 70, हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है, तो सबसे कम होती है कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो इसमें जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो होता है 55, टिक ना करिएगा जल्दबाजी में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मनोलैंगिक विकास इस समय होता है कौन सा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा कुमारावस्था से रिलेट करता है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट एथलीटों में डैश जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं, कौन से व्यक्तित्व गुण होते हैं, यहाँ पे 73 में बताइएगा,
काम का तरीका, कौशल, मानसिक सामर्थ्य, ये सभी से रिलेट करेगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सभी स्तरों पर बच्चों के इष्टतम विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, कैसा कार्यक्रम होना चाहिए, 74 संतुलित कार्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आपदा प्रबंधन योजनाओं के चार चरण क्या हैं, समन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति, इसके चार चरण हैं। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक साधक है, तो कौन सा है, यहाँ पे संस्कृत से रिलेट करता है, डी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होता है। 77 है, किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष, विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है, कौन इसमें ध्यान देता है, सामाजिक नेतृत्व से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं, 78 इसको क्या बोला जाता है, विनिमय बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी के अध्यापक जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे, 79 में ये टोकोस्टस से नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई, पटियाला, ग्वालियर, दिल्ली या फिर बेंगलुरु, ये पटियाला से रिलेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष IMCA की स्थापना की थी, 1844, यानी कि डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि, क्या गलत धारणा है, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 83 शारीरिक शिक्षा का संबंध है बताइएगा, स्वास्थ्य शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, 83। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप सभी लोग YouTube पर सर्च कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, पार्ट वाइज भी आप लोग सर्च करके वीडियोस देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको ग्रुप में तैयारी की कराई जाती है, जिससे आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा, बहुत सही स्टूडेंट, 99% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, रक्त के थक्के के लिए इनसे किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है, ये कौन सा हो जाएगा, YVS शक्ति से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है, इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है, 686000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 87 है, कोशिका अंगक जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र एवं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में बिजली घर जहां प्रचुर मात्रा में कैटोबोलिक एंजाइम हो कहलाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 नंबर, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, जो कोशिकीय श्वसन है ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ पर होता है, बिल्कुल कोशिका द्रव्य में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पामेल हार्स नामक स्पर्धा में प्रयोग होने वाले उपकरण की लंबाई ऊपरी सतह पर कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा, 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन सूत्र किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है या फिर क्रोमोसोम को कहा जाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष एवं स्त्री कोशिकाओं का संयुक्त पारिमाणिक नाम क्या है, इसका संयुक्त पारिमाणिक नाम क्या है, ए ऑप्शन गैमेट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स का संवहन कब होता है, जो जीन्स है इसका संवहन कब होता है, गर्भाधान से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, 95 इसको शुक्राणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, किसी वस्त्र पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी कूद में जैव यांत्रिकी प्रयोग किस प्रकार लाभदायक है, कूदसम शरीर की गति, कूदने वाले के गुरुत्व के अंदर शरीर की उछाल का कोण, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है, कौन से नियम को न्यूटन का संवेग नियम से के रूप में जाना जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 99 CGS पद्धति में बल का मात्रक बताइएगा, डाइन होगा क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन है।
अभी तक बहुत से स्टूडेंट के 100 में से 100 क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर इसके पहले के वीडियोस को ऑलरेडी 3-4 वीडियो जो देखे हुए हैं अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके आज के इस वीडियो में 140 में से 135 प्लस क्वेश्चंस राइट होंगे और कुछ स्टूडेंट्स के 140 में से 140 भी क्वेश्चंस सही होंगे। यहाँ पे 100 नंबर का आंसर देख लेते हैं, सी हो जाएगा क्या? त्वरण शून्य होने का अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों से रिलेट करेगा, वस्तु विराम अवस्था में और दूसरा वस्तु का नियम से चलते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सा रोग इसमें ऐसा है जो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है? बी ऑप्शन निमोनिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्वाइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन स्पेशल बैच जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। 102 फास्फोरस से रिलेट करेगा क्या? यहाँ पे फास्फोरस नहीं होगा, आयोडीन से रिलेट कर जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, घेंगा जो रोग पूछा जाता है, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी का नाम बता देना है आपको 103 नंबर में, ये सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है क्या होता है? साल्मोनेला से रिलेट करेगा, साल्मोनेला टाइफी से रिलेट करेगा। निम्न में से किससे डेंगू फैलता है? किससे डेंगू फैलता है? एडीज से फैलता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्न में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? कौन से रोग हेतु या जिम्मेदार है? 106 का आंसर देखिएगा, मलेरिया, एड्स, मस्तिष्क ट्यूमर या फिर पीलिया। तो आंसर है आपकी स्क्रीन पर डी, पीलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे क्लोज्ड चोट कहा जा सकता है? किसको क्लोज्ड चोट कहा जा सकता है? कंट्यूशन को कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के चोट के बाद उल्टी होती है? 108 रिवीजन आप लोग अवश्य करिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास में इस समय पर्याप्त समय है, क्योंकि इस समय आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड काम है। ओके, कंटिन्यू उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत तेजी के साथ में हो रही है, इसलिए आप लोग जो भी टाइम मिल रहा है सुपर फास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कम समय में सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, गलत नहीं होने पाएगा एग्जाम में। निम्न में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम है? तो कौन सी चोट आम है? टखने की अग्रपार्श्विक अस्थिबंध चोट से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है कौन सी? हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना यकृत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें मीजर किया जाता है? इसको सी ऑप्शन कैलोरी में मीजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल स्थायी दांतों की संख्या है, जो कुल स्थायी दांतों की संख्या यह कितनी है? 32 से रिलेट करता है, सार्कोमियर क्षेत्र स्थित है, जो सार्कोमियर क्षेत्र स्थित है ये दो जेड लाइन के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 115 लैक्टिक एसिड क्या देता है? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी संकुचन में शामिल प्रोटीन बताना है आपको 116 नंबर, एक्टिन व मायोसिन दोनों से रिलेट करेगा 117 नंबर है। मांसपेशी सिकुड़न का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह सिद्धांत हक्सले के द्वारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, NVS के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमम मांसपेशी कहां स्थित होती है? तुरंत आप लोग राइट आंसर बताइएगा, ए होगा या फिर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, 118 119 क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे बी होगा या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ATP मांसपेशियों के संकुचन में उपयोग होती है, तो ये प्राथमिक स्रोत, गौण स्रोत, तात्कालिक स्रोत, मध्यकालिक स्रोत से रिलेट करता है। यहाँ पे प्राथमिक स्रोत से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंड्रल तालिकी खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में किस सोमेटोटाइप को दर्शाती है? तो ये कौन से सोमेटोटाइप को दर्शाती?
एक्टोमार्फी को दर्शाती है। बिल्कुल राइट आंसर से रिलेट कर रहा है सी ऑप्शन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स सुपर टेट के बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, यूपी टेट के बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़कर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 122 राइट आंसर कोहलर से रिलेट करेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन आपका यूपी टेट सी टेट और आपका फिजिकल एजुकेशन में भी पूछा जाता है ये प्रश्न। अधिकम का नियम से कौन सा सही नहीं है, इसमें व्यायाम का नियम और देखा जाए तो सी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिक्रिया का नियम भी सी और डी दोनों से रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 124, निम्न में से कौन सा नियम अधिगम का गौण नियम है, तो इसमें कौन सा नियम गौण नियम है, आसन्न काल का नियम रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना किस पर निर्भर करता है, तो सीखना किस पर निर्भर करता है, परिपक्वता पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 126, एडवर्ड थार्नडाइक किस नियमों को विकसित किया था, इन्होंने कौन से नियम को विकसित किया था, मांसपेशीय गतिविधि अधिगम नियम, पोषण नियम या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनके द्वारा प्रतिपादित नियम था अधिगम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 11 वर्षों के वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, 127 परवर्ती बचपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स स्पर्धा में मापन क्या है, 128 ये क्या है, लंबी कूद में लैंडिंग क्षेत्र में लंबाई, ऊंची कूद में क्रॉस बार की ऊंचाई, दौड़ों में लिया गया समय, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता है, किसका मापन किया जाता है, 129 में सहनशीलता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की लंबाई मापने का उपकरण बताइएगा, स्टेडियोमीटर हो जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है, हृदय की कार्यशीलता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, 131 ए ऑप्शन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा किया जाता है। डेविड बेकम किस खेल से रिलेट करते हैं, किस खेल से संबंधित हैं, तो ये फुटबॉल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुधिर में एसिटाइल कोलिन पहुंचाने पर हृदय स्पंदन कैसा होगा, 133 नंबर ये क्या होगा, क्रमशः घटता हुआ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्ण से संवेदना का संबंध किस कपाल तंत्रिका द्वारा होता है, आप बताइएगा, कोक्लियर से रिलेट करता है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था, तो ये हो जाता है आपका कौन सा, स्पार्टा काल में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा को यूनान काल में क्या कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था, पाइडो ट्राइब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है, आप बता दीजिएगा, 137 ये प्लेटो के साथ में रिलेट करेगा क्या, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है, जो प्रोटीन है यह किसको बनाने में सहायक होता है, मांसपेशीय उत्तक को बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का उत्तम स्रोत बताइए, सोयाबीन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सडन डेथ टूर्नामेंट किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेट करेगा। ये थे 140 क्वेश्चन, आप लोग स्कोरिंग करके बताइएगा कि रिवीजन वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हुए हैं। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत कॉन्टेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराया जाता है और साथ साथ में आपको नए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कल जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया गया था उसके मार्क्स अभी ग्रुप में अपडेट कर दिए जाएंगे। नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।